बाबा जी ने बताया कि कोरोना की 23 मई से होगी रवानगी की शुरुआत। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि बाबा जी और एक संत क्या भविष्यवाणी की है और क्या कहा कोरोना संकट के बारे में। तो आइए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा जी। नमस्कार, आइए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना संकट में बाबा जी और एक संत मिलके क्या भविष्यवाणियां के बारे में कहा है। आइए इस भाई जी ने इस मैसेज में क्या मुझे बताए हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। इस मैसेज में लिखा है कि मौत का तांडव दिख रहे कोरोना रवानगी होने के सुखद संकेत मिले हैं। बाबा जी ने बताया कि 23 मई इसके बाद कोरोना जाने लगेगा, यानी मानव जाति इससे निजात पा सकते हैं जी। यह सब होगा शनि की विकरी गति शुरू होने से। इससे रोग की उत्पत्ति नहीं होगी और प्राणवायु की तकलीफ भी दूर होने लगेगा, यानी सभी को ऑक्सीजन अच्छी तरीके से मिलने लगेगी और जितने भी रोग आ रहे हैं वो सारे रोग संकट दूर होने लगेंगे 23 मई के बाद में। आगे लिखा है कि महामारी 3 साल तक ग्रीष्म ऋतु ने दुखदाई होगी इसमें, यानी ये एक महामारी 3 साल तक चलेगी। इसमें आगे भी लिखा है कि कोरोना काल बहुत ही जल्दी कमजोर होने लगेगा शनि के प्रभाव से। इसके परिणाम 23 मई से मिलना शुरू हो जाएंगे, यानी 23 मई के बाद कोरोना संकट कम होने लगेगा। आगे भविष्यवाणियां की गई है इसमें कि इस दिन शनि की विकरी गति शुरू होगा और इसके परिणाम स्वरूप भारत में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की तकलीफें दूर होना भी शुरू हो जाएंगी। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में बताया कि गुरु ग्रह मार्च में आखिरी और अतिसारी अग्रत मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में गया था, तब से कोरोना की उत्पत्ति हुई थी।